भारत में वैक्सीन का इंतजार अब बस कुछ ही दिनों का है। इसकी वजह क्या है? दरअसल CDSCO जो कि वैक्सीन को अप्रूवल देता है, उसके पास एक नहीं, दो नहीं, बल्कि तीन तीन वैक्सीन का अप्रूवल, वो भी इमरजेंसी अप्रूवल पहुंच चुका है। वो वैक्सीन कौन कौन सी हैं? फाइजर, कोवैक्सीन और कोविशील्ड। इसमें फाइजर एक ऐसी वैक्सीन है जिसे कि ब्रिटेन और अमेरिका में इमरजेंसी अप्रूवल मिल चुका है। कोवैक्सीन ऐसी वैक्सीन है जो कि भारत में ही निर्मित है और पूरी तरीके से भारत में ही बनी हुई है, और इसे डेटा और इसमें रिसर्च शामिल की गई है इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च की। और साथ ही कोविशील्ड ऐसी वैक्सीन है जो कि दुनिया की सबसे प्रभावशाली वैक्सीन में से एक बताया जा रहा है। ऑक्सफोर्ड और एस्ट्राजेनेका ने इसे डेवलप किया है और भारत में ये अपने तीनों चरण पूरे कर चुकी है। और इस वक्त वो 28 दिनों के उस पीरियड में थी जहां वो ये तय करते, एक डेटा बनाते और इमरजेंसी अप्रूवल के लिए और अप्रूवल के लिए जाते, और वो अपने इमरजेंसी अप्रूवल के लिए पहुंच चुके हैं। ऐसे में सबसे अहम जानकारी ये है कि जो राष्ट्रीय समिति बनी है जो कि ये तय करेगी कि किस तरीके से देश भर में वैक्सीन यानी कि टीकाकरण अभियान शुरू किया जाएगा, उसका ये कहना है कि जब भारत में तमाम लोगों को वैक्सीन लगेगी तो एक शख्स को वैक्सीन लगने में 30 मिनट का समय लगेगा। लेकिन क्यों, इसकी आखिर वजह क्या है, यही बताने के लिए तो वीडियो बना रहे हैं आपके लिए। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ श्रेया बहुगुणा और आप देख रहे हैं न्यूज तक। दरअसल आप लोगों के मन में ये सवाल होगा कि जब भी कोई इंजेक्शन या फिर कोई टीका हमें दिया जाता है, और ख़ास तौर पर जब छोटे छोटे बच्चों को वैक्सीन दी जाती है, तो बस कुछ ही सेकंड्स में वैक्सीन लग जाती है। ऐसे में कोरोना के खिलाफ जो भी वैक्सीन हैं उसमें 30 मिनट का समय क्यों लग रहा है, वो बताने के लिए ये वीडियो हम आपको लेकर आए हैं। दरअसल न्यूज़ तक आपको ये बता चुका है कि फाइजर, कोवैक्सीन और कोविशील्ड, ये तीन प्रमुख वैक्सीन्स हैं, वो कितनी प्रभावशाली हैं। अलग अलग कंपनियों का अलग अलग तरीके से दावा है, लेकिन राष्ट्रीय समिति जो कोरोना के लिए बनी है, उनका ये कहना है कि वैक्सीन कोई भी अप्रूव हो, उसे लगने में एक शख्स के लिए 30 मिनट का समय दिया जाएगा। लेकिन किस तरीके से, बताते हैं आपको इस वीडियो में। आपको ये बताते चलें कि इंडियन एक्सप्रेस अखबार है, उसने राष्ट्रीय समिति के साथ बातें की हैं, उनके विशेषज्ञों के साथ बातें की हैं। उनका ये कहना है कि अलग अलग सेंटर्स बनाए जाएंगे कोरोना की वैक्सीन को लेकर, उसमें तीन अलग अलग रूम्स बनाए जाएंगे। पहले रूम में जिसको भी वैक्सीन लगनी है उसे इंतजार करना होगा, दूसरी जब कमरा होगा उसमें उसे वैक्सीन लगाई जाएगी, और तीसरा कमरा होगा जो कि सबसे महत्वपूर्ण कमरा होगा, उसमें वहां ले जाकर उसे 30 मिनट का इंतजार करवाया जाएगा वैक्सीन लगने के बाद। और ये देखा जाएगा कि वैक्सीन लगने के इस 30 मिनट के अंतराल में कोई रिएक्शन तो नहीं हो रहे हैं, किसी भी तरीके का कोई उसे प्रॉब्लम तो नहीं हो रही, कोई दिक्कतें तो नहीं हो रही हैं। और इस तरीके से ये पूरे चरण चलेंगे जो कि पूरा का पूरा एक शख्स पर चरण तकरीबन 30 मिनट का होगा, और ऐसे में हर दिन लगभग 100 लोगों को वैक्सीन दी जाएगी। हालांकि विशेषज्ञों का यह कहना है कि इस वजह से वैक्सीन लगने में थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन टाइम इसलिए लगेगा क्योंकि दुर्घटना से देर भली। आपको यह भी बताते चलें कि विशेषज्ञों की यह भी राय है कि सबसे पहले 1 करोड़ वो हेल्थ वर्कर्स को वैक्सीन दी जाएगी जो कि कोरोना मरीजों के सबसे पास में रहते हैं, उसके बाद कोरोना वॉरियर्स को, यानी कि पुलिस हो या फिर वो लोग जो कि एसेंशियल सर्विसेज को लेकर जाते हैं, कोरोना मरीजों के साथ लगभग रहते हैं, उन्हें दी जाएगी, और उसके बाद 50 साल से ज़्यादा उम्र के लोगों को वैक्सीन दी जाएगी। साथ ही उन लोगों को भी वैक्सीन दी जाएगी जो कि एक साथ दो अलग अलग बीमारियों से जूझ रहे हैं, एग्जाम्पल के तौर पर जिन्हें हाइपरटेंशन भी है और जिन्हें डायबिटीज़ भी है, उन्हें ये वैक्सीन दी जाएगी। और अगर वो 55 साल या 50 साल से कम उम्र के लोग हैं, उन्हें भी ये वैक्सीन दी जाएगी। हालांकि विशेषज्ञों की ये पूरी टीम इस तरीके से तैयार की गई है जिसमें कि देखा जाएगा कि 30 मिनट के वक्त में किसी भी पेशेंट को कोई दिक्कतें तो नहीं आ रही हैं, किसी भी तरीके की प्रॉब्लम तो नहीं आ रही है, किसी भी तरीके का रिएक्शन तो इस वैक्सीन ने नहीं किया है। आपको ये बताते चलें कि फाइजर हो, कोवैक्सीन हो या फिर कोविशील्ड वैक्सीन हो, इन तमाम वैक्सीन को फिलहाल DGCI जो है वो देख रहा है, और साथ ही साथ आपको बता दें कि CDSCO इन्हें अप्रूवल तभी देगा जब ये वैक्सीन को पूरी तरीके से थॉरो इसके बारे में पता लगाया जाएगा, इसके डेटा को निरीक्षण किया जाएगा। और आपको ये बता दें कि आज CDSCO को और DCGI को ये फैसला लेना है कि कौन सी वैक्सीन को अप्रूवल दिया जाए। हालांकि भारत में कौन सी वैक्सीन लगती है सबसे पहले, ये देखने वाली बात होगी, और न्यूज़ तक आपको इसके बारे में भी सबसे पहले इन्फॉर्मेशन देगा। तमाम वीडियोज़ को जानने के लिए, कोरोना वैक्सीन के बारे में जानने के लिए और किसान आंदोलन के बारे में जानने के लिए और किसी भी टॉपिक के बारे में जानने के लिए आप न्यूज़ तक देखते रहिए। मंडे टू फ्राइडे में इसी तरह की वीडियो आप तक लाती रहूंगी। अगर आप भी किसी टॉपिक के बारे में जानना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स पर ज़रूर बताएं।